मैं अरफाक कासवानी, आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। क्या एनसीपी के शमीम खान ने जमा किए हैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स? ऐसा आरोप कांग्रेस के सलमान रिजवी ने उन पर लगाया है। दरअसल टीएमसी परिवहन डिपार्टमेंट का सदस्य बनने के लिए टीएमसी की ओर से कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ क्राइटेरिया पूरा करना होता है, जिसे पूरा करने पर ही टीएमटी परिवहन का सदस्य बनाया जाता है। कांग्रेस के सलमान रिजवी का ये आरोप है कि 2020 में टीएमटी परिवहन डिपार्टमेंट के जितने भी चुने हुए सदस्य है सभी ने अपने फर्जी डॉक्यूमेंट जमा किए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है उनका कहना, क्यों उन्होंने एनसीपी के शमीम खान पर निशाना साधा है और कहा है कि उनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी है। सलमान भाई, आज आप यहाँ पे वागले स्टेट में परिवहन समिति की ऑफिस में आए थे, जोशी साहब से आपने मुलाकात की थी, क्या मुद्दा था, क्या वजह थी, क्यों आपका यहाँ पे आना हुआ, जरा बताएं। देखिए कैसा है कि मैं आज नहीं आया हूँ, मैं तकरीबन 10 दिन से यहाँ आ रहा हूँ जा रहा हूँ। मालूमात के हिसाब से मैंने RTI डाला था कि जितने भी 2020 के अंदर चुने गए TMT के जो जितने भी सदस्य हैं परिवहन के, जिन्होंने अपना नॉमिनेशन डाला था, वो उनके जो कागजात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट किया हुआ है परिवहन में, वो सब कहीं ना कहीं फ्रॉड है, इलीगल है, फर्जी हैं। अच्छा। उसके खिलाफ़ मैंने RTI डाला तो RTI अधिकारी ने भी उस डॉक्यूमेंट को देने से इनकार किया। उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट दिया है, ये 12 लोगों का मुझे ये चिट्ठा उन्होंने दिया है। अच्छा। लेकिन 12 लोगों का जो चिट्ठा दिया है और जो मैंने उनसे मांगा था वो इसमें एक भी नहीं है। अच्छा। पहली चीज़ ये होती है कि परिवहन के नॉर्म्स के अंदर अगर आपको किसी भी TMT का सदस्य बनना है तो इनके नॉर्म्स के हिसाब से ऑटोमोबाइल होना ज़रूरी है। 6 साल का किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर 6 साल का काम करता हुआ एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। किसी भी यूनियन, रिक्शा यूनियन का कम से कम 5 साल का संगठन बन के, सचिव बन के काम करना होना ज़रूरी है। इन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट में एक भी ऐसी चीज़ नहीं दी है। इन्होंने पहले दिया कि जो नॉमिनेशन उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, कैंडिडेट कौन है, सूचक कौन है, अनुमोदक कौन है, इतना मुझे पहला लेटर दिया। उसके पीछे कंटिन्यू 6 पेपर उन्होंने ये लगाया है कि इसका मतदार संघ में नाम है, इसका ऑनलाइन में नाम है, मतलब 6 पेपर मुझे खाली ऐसा लग रहा है कि मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि 6 पेपर 7 पेपर उन्होंने इसमें ये दिया है कि इनका इलेक्शन मतदार यादी के अंदर नाम है, तो ये तो 1 पेपर में बता सकते थे कि नाम है, 6 पेपर देने की उनको ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। आप ये देखें कि जो प्रतिज्ञा पत्र है ये भी बिफोर मी है, इसमें भी मैंने मांगनी करी है कि साइन इलीगल है इनकी। इन्होंने जो ये जमा किया हुआ है लेटर, फोर्स मोटर्स, किसकी बात, किसी ने, मैं सदस्य की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सदस्य है ये जो है, ये शमीम ए गनी खान करके। अच्छा। हैं कोई, इन्होंने फोर्स मोटर का एक्सपीरियंस लेटर फोर्स मोटर ने परिवहन को दिया है कि शमीम खान मेरे कंपनी में, मतलब फोर्स मोटर में 5 साल एज अ सर्विस एडवाइज़र के बतौर काम कर चुके हैं। मैं ये समझता हूँ, मैं खुद 4 साल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, एक सर्विस एडवाइज़र बनने के लिए कई साल लग जाते हैं। पहली चीज़ की डिग्री होना ज़रूरी है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर की डिग्री होती है जिसको मार्कशीट कहा जाता है, उसके बाद सर्टिफिकेट्स होते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो मैंने इनको कहीं देखा नहीं कि इनकी पूरी ज़िंदगी के अंदर, इन्होंने जब पहले थे जिस पार्टी के अंदर, इलीगल तरीके से बिल्डिंगें बनाते गए, मैंने कभी नहीं देखा इनको कहीं कॉलेज जा रहे हैं, कहीं स्कूल जा रहे हैं, कहीं किसी कंपनी में काम करें। पूरी ज़िंदगी में उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काम तो नहीं किया, लेकिन मैं अब कोर्ट में इसका PIL दाखिल करने जा रहा हूँ। परिवहन के जो मैनेजिंग कमेटी है, जैसा कि मैंने सभापति साहब से पूछा, सभापति साहब ने बोला कि मेरा इसमें, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक सभापति हूँ। मैंने यहाँ के माहिती अधिकार, परिवहन के जो अधिकारी हैं बहरे साहब, उनके पास गया, वो बोलते मेरे पास नहीं, वो सीधा बोल रहे हैं कि थाने महानगर पालिका के सचिव मनीष जोशी साहब हैं, उन्होंने इनको सिलेक्ट किया है, उन्होंने इनको इलेक्ट किया है, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ज़ेर निगरानी के अंदर सर्च हुए हैं, वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद ये इनको मेंबर बनाया गया। मैं मनीष जोशी साहब पे भी केस करूँगा, मैं नगर पालिका के आयुक्त को भी लेटर दूंगा, परिवहन के सभापति को भी लेटर दूंगा, इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करके। ये सिर्फ एक नहीं है, इसमें और भी मेंबर्स हैं,
जिनके फर्जी डॉक्यूमेंट जमा करके इनको किसी के मदद से, किसी के प्रेशर से या किसी के आशीर्वाद से सभापति के नेतृत्व में सदस्य बनाया गया। मैं निवेदन करूंगा और मैं इसके बाद जाऊंगा भी, मनीष जोशी के पास भी जाऊंगा, इनका हवाल मांगूंगा। अगर मैं किसी, देखिए मैं किसी कमिश्नर को अगर किसी के कंप्लेंट के रिलेटेड में लेटर दूं, तो कमिश्नर का काम है उस पर चौकसी करके उस पर तातड़ी ने कार्रवाई करना ज़रूरी है। मसलन मैं कल बोल दूँ यार वो कल कौसा में बम फटने वाला है, तो बम स्क्वाड बम फटने का इंतज़ार नहीं करेगा। जब मैंने इन्फॉर्मेशन दी ना, तो उस पर जाँच करेगी, उस पर फोर्स भेजेगी, उस पर पुलिस जाएगी, उस पर CID जाएगी, लोकल पुलिस स्टेशन जाएगा, लोकल फायर ब्रिगेड जाएगा, उसके बाद छानबीन के बाद ये तय हो पाएगा कि बम है या नहीं है। मैंने दिया यार जी कि डॉक्यूमेंट फर्जी है, आपका काम है उस पर चेक करना, उस पर एक्शन लेना, उस पर वेरिफिकेशन करना, वो आपका काम है। मैंने लेटर दिया, आप करें। और आने वाले 10 दिन के अंदर अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई और जितने मेंबर्स जिन्होंने फ्रॉड डॉक्यूमेंट जमा किया वो सस्पेंड नहीं हुए, तो मैं थाने परिवहन समिति के नीचे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में, एडवोकेट विक्रांत चाप के नेतृत्व में महा आंदोलन करूंगा। यह आह्वान। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आगे की न्यूज़ के लिए देखते रहे टुडेज़ वॉइस न्यूज़।